नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, दिस इज शुभम वाजपेयी और इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर जिले के उमरिया गांव में और हमारे साथ इस वक्त हम आए हुए हैं पाटीदार साहब के फार्म हाउस पे। पाटीदार जी अपना पूरा नाम बता दीजिए, हमें आपका पूरा नाम पता नहीं। विनोद कुमार पाटीदार। विनोद कुमार पाटीदार जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, इन्हीं के मकान में हम रुके हुए हैं। बहुत ही मेहमान नवाजी से इन्होंने हम लोग को रोज समय पे चाय पिलाते हैं और बहुत ही अच्छा हम लोग का जैसे घर में किसी बच्चों का ख्याल रखा जाता है उसी तरीके से हम लोग को रखा गया है। तो फ्री टाइम में हम लोग मौजूद थे तो ये अपने खेत पर आ रहे थे तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ इनके फार्म हाउस पे आ गए हैं जहाँ की पिलाव कर रहे हैं। तो पाटीदार साहब जी आप बताइए कि ये पिलाव का क्या फायदा होता है खेत में? ये वही मिट्टी है जहाँ पर एक काला सोना होता है। काला सोना से मतलब अफीम जो है, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा उत्पादन जो अफीम का है वो मंदसौर जिले में होता है और ये यही वो खेत है जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। पाटीदार जी का एक बड़ा सा खेत यहाँ पर मौजूद है जहाँ इस वक्त वो पिलाव कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने वीडियो में आप आगे देखेंगे ट्रैक्टर चलाने का भी अनुभव प्राप्त किया है, उनसे ट्रैक्टर चलाने के गुर सीखे हैं, कैसे पिलाव के साथ ट्रैक्टर को हैंडल किया जाता है, ये सब चीजें आप इस वीडियो में देखें, वीडियो में बने रहेगा। पाटीदार साहब हमारे साथ ये अनुभव शेयर करेंगे कि पिलाव का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से अफीम की खेती साथ ही और खेती में बहुत ही लाभकारी होती है पिलाव की जो विधि होती है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में, तो वो आपको पाटीदार साहब आगे बताने वाले हैं। तो पाटीदार साहब जी पिलाव अपन क्यों करते हैं खेत में, इसका क्या फायदा होता है? पिलाव करने से ये होता है कि जमीन जो है इसमें खुलापन आ जाता है, हाँ, पौधे की जड़ों का अच्छे से विकास होता है। अच्छा। और साथ ही जो पोषक तत्व जमीन के नीचे की साइड में होते हैं, अच्छा, अंदर साइड में जो होते हैं, हाँ, तो वो ऊपर आ जाते हैं तो पौधे को जितने ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, हाँ, उससे उसका ग्रोथ उतना ही ज्यादा होता है। बहुत सही, मतलब ये प्लाव करने से पूरा मट्टी एकदम पलट जाती है, पूरा मट्टी पलट जाती है, उर्वरा शक्ति और उसके जो पोषक तत्व है ऊपर आ जाते हैं ताकि जब भी इसमें कोई नई खेती करी जाए तो वो अच्छी हष्ट पुष्ट पेड़ हो, उसकी जड़ें जो अच्छी स्वस्थ रूप से पौधा संचालित होता रहता है। तो क्या सर इसमें आप अफीम की खेती भी करते हैं क्या इस जमीन में? हाँ, इसमें अफीम की खेती होता है, गेहूँ होता है, चना, हाँ, होता है, मतलब ये मतलब हर प्रकार की फसल के लिए, हर प्रकार की फसल के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा, बहुत ही पोषक मिट्टी आप जैसा देख ही पा रहे हो, बहुत ही काली मिट्टी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पाटीदार साहब का और हमें ये मतलब ड्यूटी के व्यस्ततम शेड्यूल में से एक बहुत अच्छा अनुभव हमारी इस ड्यूटी के जो शेड्यूल है उसमें जोड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गहरा लगा रहे हैं। हाँ, अरे जंप कर रहा है। अरे स्टैंड ये डर होगा तो दिया।